हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? तो आपका आज आहार आयोजन का 5वां टेस्ट है। आशा करती हूँ कि आप सब जो है तैयारी करके आए होंगे। तो हर रोज की तरह कॉपी पेन लेके बैठें और हर एक क्वेश्चंस का जो है आंसर नोट करते जाइए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दालों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? लाइसिन की, मिथियोनिन की, ल्यूसिन की या आइसोल्यूसिन की? सेकेंड क्वेश्चन है, शारीरिक आवश्यकताएं बदलती रहती है, ऊंचाई और भार के अनुसार, शक्ल के अनुसार या हाथों के अनुसार या उपरोक्त सभी के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन है, आरडीए का पूरा नाम क्या है? रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस या रिकमेंडेड डाइट अलाउंसेस या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या इनमें से कोई भी नहीं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि टिफिन द्वारा बच्चे की कुल कैलोरी तथा प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसका पूरा होना चाहिए, आधा भाग या 1/3 भाग या 3/4 भाग या 5/6 भाग। 5वां क्वेश्चन है, लोहे की कमी होने से क्या हो जाता है? कुपोषणता हो जाती है या रक्ता लकता मतलब रक्त की कमी हो जाती है या ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है या ये सभी बीमारियाँ हो जाती हैं। 6ठा प्रश्न है, वृद्धावस्था में शरीर के तंतुओं की मरम्मत करने के लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वसा की, प्रोटीन की या जल की? नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में आधारीय चयापचय दर में बदलाव आता है, कम हो जाती है या अधिक हो जाती है आधारीय चयापचय दर या एक समान रहती है या इनमें से कोई नहीं? 8वां प्रश्न है, वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, विनाशात्मक, सृजनात्मक, मानसिक या कोई नहीं? नेक्स्ट है, वृद्धावस्था के दौरान होने वाले अस्थि संबंधी रोग को क्या कहते हैं? अनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स तथा या बेरीबेरी? 10वां प्रश्न है, मानव जीवन के विकास क्रम में उम्र का आखिरी पड़ाव क्या कहलाता है? बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था या युवावस्था? 11वां प्रश्न है, प्रोटीन की आवश्यकता कब अधिक होती है? बढ़ते बच्चों को, ऑपरेशन के बाद या दुग्धपान अवस्था और गर्भावस्था में या उपरोक्त सभी में? नेक्स्ट है, आहार आयोजन के 2 लाभ बताएं, पौष्टिक भोजन और विभिन्नता लाना आहार आयोजन से होता है या भोजन कम आकर्षक और अधिक महंगा होता है या ऊपर से अधिक खनिज लवण और विटामिन डाले जा सकते हैं या खाद्य पदार्थ को रंगदार तथा कम मिर्च मसाले वाला बनाया जा सकता है आहार आयोजन के द्वारा? तो इन 4ों ऑप्शन में जो आपको ठीक लगता है वो नोट करें। 13वां क्वेश्चन है, पारिवारिक आहार में मौसमी भोजन के 2 लाभ बताएं, सस्ता और ताज़ा होता है, पकाना और परोसना आसान होता है, विटामिन और खनिज लवण जो है कम उपलब्ध होते हैं, वसा और पानी की अधिक मात्रा होती है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन से संबंधित तथा तथ्य नहीं है? आहार आयोजन से परिवार के प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकता जो है पूरी की जा सकती है या आहार आयोजन से व्यक्तिगत रुचियों व अरुचियों को ध्यान में रखा जा सकता है या आहार आयोजन परिवार का आर्थिक स्तर ऊंचा बढ़ाने में उठाने में मदद करता है या आहार आयोजन से बचे खुचे भोजन का उचित उपयोग किया जा सकता है? 15वां क्वेश्चन है, परिवार के बजट के अनुसार आहार का आयोजन करने हेतु गृहिणी को निम्न में से क्या करना चाहिए? महंगे खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मांस, मछली आदि शामिल करना चाहिए या महंगे जो पशुजन्य खाद्य पदार्थ है इनकी जगह हम सोयाबीन का प्रयोग कर सकते हैं या सुविधाजनक संसाधित खाद्य पदार्थ जैसे मटर, कैनिंग किए हुए फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? 16वां क्वेश्चन है, शिशु को कितने महीने तक अंडे का सफेद भाग नहीं दिया जाता? 8 से 9 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक या कभी नहीं? नेक्स्ट है, प्रथम पूरक आहार कैसा होना चाहिए? सख्त होना चाहिए, तरल होना चाहिए, नरम होना चाहिए या वसायुक्त होना चाहिए? नेक्स्ट है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 1240 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 1500 कैलोरी या 500 कैलोरी? 19वां प्रश्न है कि जन्म के समय बच्चे का भार सामान्य रूप से कितना होता है? 1 किलोग्राम, 3.3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम? 20वां प्रश्न है, स्कूल जाने वाले बच्चों के नाश्ते में किन वस्तुओं को शामिल करना चाहिए? परांठा या चपाती, दालें व सब्जियां, दूध दही या ये सभी चीज़ें? 21वां क्वेश्चन है, स्कूल में टिफिन से बच्चे की कितनी दैनिक पौष्टिक आवश्यकता जो है की पूर्ति होनी चाहिए? 1/5 भाग, 1/2 भाग, 1/4 भाग या 1/8 भाग? नेक्स्ट है, किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है,
कम होती है या सामान्य होती है या इनमें से कोई नहीं। 23वां क्वेश्चन है, एक व्यस्त व्यक्ति के शरीर का भार जो है प्रोटीन से बना होता है, 10%, 30%, 20% या 40%। नेक्स्ट है, व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? उपापचय दर बढ़ जाती है उसकी, या विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, या चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, या उपरोक्त सभी चीज़ें बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वयस्कों को कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत वसा से मिलना चाहिए? 15 से 20%, 40 से 50%, 30 से 50% या 50 से 60%। तो ये आज के हमारे टेस्ट के जो है 25 क्वेश्चन थे। तो आपने ये इन सब का जो है आंसर नोट कर लिए होंगे। अब आपको यहाँ आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने आंसर मैच करें, मिलाएं, और जितने आंसर आपके ठीक है उनका टोटल स्कोर करके कमेंट सेक्शन में अपना नेम, फादर नेम और क्लास रोल नंबर के साथ जरूर लिखें। धन्यवाद।